जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, आंगनबाड़ी में आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो दोस्तों हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों आंगनबाड़ी में आशा कार्यकर्ता, जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी। आज की बड़ी खबर देखने वाले, 13 नवंबर की 10 बड़ी खबरें इस वीडियो में देखने वाले। साथ में कार्यकर्ता 18,000 रुपये और सहायिका को यहाँ पर 9,000 रुपये वेतन है वो यहाँ पर मिलने वाला। साथ में हर माह यहाँ पर 3,000 रुपये पेंशन भी उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है जो रिटायर हो चुकी है, जिनको यहाँ पर रिटायरमेंट मिल चुका है उनके लिए भी यहाँ पर बड़ी खबर आई है। साथ में नर्सरी टीचर की मान्यता यहाँ पर मिल चुकी है और जितना वेतन नर्सरी टीचर के जो अध्यापक है उन्हें मिलते उतना वेतन है वो अब उनको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है, वो बड़ा फैसला कौन सा है सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे। चैनल पर भी आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में मैं आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो चलो बहनों, देखते हैं सारी जानकारी। तो बहनों, सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली ज़्यादातर महिलाओं में खून की कमी। जी हाँ दोस्तों, एनीमिया उसे बताया गया है कि शिकायतें यहाँ पर लगातार मिल रही है। डॉक्टरों के अनुसार जिले की 70% महिलाएँ खून की कमी की शिकार है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए घरों में प्रसव कराने पर अंकुश लगाने में जुटा है। उधर इसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ में सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए आने वाली ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी पाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिले में हर तीसरी महिला और पांचवें बच्चे में खून की कमी है। महिलाओं में गर्भाशय और वृष्ट संबंधी बीमारियों की जांच कराने वाली ग्राफ यहां पर बढ़ा दिया गया। बच्चों में होने वाले डायरिया पर नियंत्रण हुआ लेकिन एनीमिया पीड़ित मरीजों की संख्या ग्राफ में तेजी से बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग महिला बाल विकास विभाग से मिलकर यहां पर कवायद कर रहे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के अलावा जिले में महिलाओं को जोड़कर एनीमिया की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मदद से टीकाकरण है, प्रसव पूर्व जांच एवं गंभीर गर्भवती महिलाओं की यहाँ पर जो पहचान है वो यहाँ पर की जा रही है। उधर जिला कार्यक्रम अधिकारी है जो अनीस अंसारी है, उन्होंने बताया कि सीएससी पर तैनात डॉक्टर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को एंटीनेंटल केयर की चार में कम से कम 3 बार जांच जरूर करानी चाहिए, इससे यह समस्या 90% है वो यहाँ पर कम हो सकती है। साथ में पीएमएसएम कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा है आपकी एनएम को हर गर्भवती महिलाओं को माह की 9 तारीख को केंद्र पर जांच के लिए लाना होता है। इसमें डॉक्टरों का पैनल उनकी जाँच कर उचित सलाह देता है। यहाँ पर बड़ी खबर आई है, प्रतापगढ़ शहर की सड़कों की हालात इतने खराब है, जगह जगह गड्ढे हो रहे, इससे लोगों को सुगम यातायात में परेशानी हो रही है। नगर परिषद को विशेष ध्यान देकर सड़कों की हालत सुधारनी होगी। ये निर्देश सोमवार को मिनी सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने नगर परिषद आयुक्त को दिए हैं। उन्होंने शहर के पार्कों की दशा सुधारने पर भी जोर दिया है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से मौसमी बीमारियों, पेयजल, सड़क, बिजली सहित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग से जिले में चल रही विभिन्न मौसमी बीमारियों, स्क्रब, टाइफस, डेंगू आदि बीमारियों की जानकारी लेकर स्क्रब टाइफस के साथ में दवाइयों का छिड़काव करने के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने शहर खराब सड़कों की हालत पर विशेष चर्चा की। उन्होंने परिषद आयुक्त को कहा कि वे शहर की सड़कों और उजाड़ पड़े पार्कों के सौंदर्यन पर जरूर ध्यान दें। इसी तरह बैठक में पेंशन है, मिनी सचिवालय से बाईपास व शहर में निरंतर फॉगिंग आदि करने के निर्देश नगर परिषद आयुक्त को दिए हैं। उधर जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी को जिले की सड़कों के पैच वर्क कराने, मिनी सचिवालय का रंगारोपण कराने आदि करने के निर्देश यहां पर दिए। उन्होंने आया जो एमजेएस कार्यों और बिजली निगम के अधिकारियों को बिजली की वजह से शहर में पेयजल में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए भी जनजाति विभाग, कृषि व शिक्षा आदि महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की समीक्षा की।
उसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णपाल व जन समस्याओं एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज समस्याओं का प्राथमिकता से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। साथ में अधिकारियों को दिए गई बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर वीके जैन, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डॉक्टर शांतिलाल शर्मा और जल ग्रहण विभाग के अधीक्षक अभियंता MI खान और PMO डॉक्टर OP दायमा, BCMHO सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में उपस्थित रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है। उधर प्रदर्शन प्रतापगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनी सचिवालय में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यहां पर कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और वेतनमान है वो 18,000 रुपये करने की मांग की है। उधर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी आशा एवं साथीन कर्मचारी महासंघ के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंची, यहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के तौर पर उन्हें बहुत ही कम मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इससे कम मानदेय के कारण उन्हें कई बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ में आशा कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपये तथा आशा सहयोगिनियों को 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय की मांग की गई है। उधर बड़ी खबर आई है, जिला कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर विकासखंड में मिशन इंद्रधनुष का 2 दिसंबर से शुरू होगा। इसके तहत विकासखंड में छूटे गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा। यह जानकारी BMO डॉक्टर यशवंत शर्मा ने पत्रकारों को दी है। BMO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इंद्रधनुष मिशन के तहत 5 साल तक के बच्चों को जानलेवा 7 बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाएंगे। इन बीमारियों में खसरा, टिटनेस, पोलियो, TB, गोलगोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, विटामिन ए और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत विकास खंड के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में दूर दराज के मकान है, घुमंतु परिवार है, विस्थापित परिवार, निर्माणाधीन भवन के मजदूर, कच्ची बस्तियों, ईंट भट्ठों और दुर्गम क्षेत्रों या ऐसे परिवार जो टीकाकरण करवाने में आनाकानी करते हैं, उन स्थानों पर मिशन इंद्रधनुष के तहत क्षेत्र की आशा अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 2 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उधर पत्रकार वार्ता में BPM सतीश कनौजिया और VCM जयंत सिंह यादव ने मिशन इंद्रधनुष और दस्तक अभियान सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से यहां पर जानकारी दी। पूरी बात करें तो कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। BMO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 17 दिसंबर 2019 से लेके 18 जनवरी 2020 तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रमुख रूप से होने वाली बीमारियों को प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर तुरंत उनका प्रबंध कराना है ताकि बाल मृत्यु दर में कमी लाई जाए। साथ में अभियान सभी ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त समन्वय से चलाया जाएगा। इसमें टीम द्वारा ग्राम के प्रत्येक घर में जाकर सर्वे होगा। विकासखंड के गाँव में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक गांव स्तर पर घर घर जाकर विभागों की संयुक्त टीमें सर्वे कार्य करेंगी। टीम में जो ANH और MPW आशा सहयोगिनी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहेगी जो 4 बिंदुओं पर घरों का सर्वेक्षण कर मार्किंग करेंगी। टीमें 5 साल से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों को सक्रिय पहचान कर रेफरल एवं प्रबंधन करेगी। साथ में 6 माह से 5 साल की उम्र तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन कर उपचार 9 माह से 5 साल तक के समस्त बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। उधर बात करते हैं निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर में 14 को BMHO सतीश कनौजिया ने आगामी पल्स पोलिया अभियान और BCM जैन सिंह यादव ने बताया है कि 14 नवंबर को मधुमेह दिवस पर निःशुल्क मधुमेह शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें खून में शुगर की जांच कर निदान किया जाएगा। इसके अलावा बहनों, कोई भी न्यूज आती है आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड तो हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। बहनों, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में बहनों, मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताता रहूंगा, आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से
रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। साथ में बहनों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये साथ वाली बहनों के पास में भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।